मुंगेर की तारापुर विधानसभा की सीट खाली हो चुकी है। अब चुनाव में अपनी सीट को बचाने की कवायद अभी से हो एनडीए ने तेज कर दी है। इस सीट से पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी विधायक थे, लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद से ये सीट खाली है और अब इस पर उपचुनाव होना है। पिछले 10 दिनों के अंदर एनडीए के 4 दिग्गज नेताओं के तारापुर दौरे से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इधर अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मुंगेर के तारापुर पहुंचने उन्होंने घोषणा कर दी कि इस सीट से अब भी जेडीयू का ही उम्मीदवार होगा। हम तो आए हैं अपनी योजनाओं को देखने के लिए। मनरेगा से जो काम हुआ है, यहाँ 350 फीट का नाला निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हमने किया है और इस प्रकार से राज्य में जो विकास के काम हो रहे हैं, जो गति है उसको समझने के लिए, जानने के लिए मैं घूम रहा हूँ। आज और कल 2 दिन का कार्यक्रम है। 2 दिन में 30 दर्जन गांव में जाएंगे और वहाँ पर योजनाओं जानकारी लेंगे, समीक्षा करेंगे। इन योजनाओं से लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। मैं समझता हूँ बिहार का कोई घर नहीं बचा है जिनको सरकारी योजनाओं से अच्छा नहीं किया गया है। और इसी प्रकार से नीतीश कुमार के शासन में हर लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सर, तो अभी तो ये पहला शुरुआत किया है, अभी 3 योजनाओं 3-4 योजनाओं का भी और करेंगे। उसमें अलग अलग तरह की योजना है, कौन कौन सी इसके बारे में डिटेल अभी देना पड़ेगा। सारा मनरेगा के द्वारा सब निर्मित कुल योजना की आंकड़ा की बात करें तो कितनी होगा सर मूल्य? आंकड़ा तो बताएंगे जब आखिरी में, जब सब उद्घाटन शिलान्यास करके जब एक जगह इकट्ठे होंगे तब सब पूरी तरह से आंकड़े बताएंगे कि योजना है, कितनी लागत है, कितने दिनों में तैयार हुआ, कितने लोग